जी नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी, कहाँ से आएँ आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे मैं, संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ। आप फरवरी 2017 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, इसका मतलब बरवाला की घटना के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हाँ, सही बात है। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि आपने बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आप जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं? हाँ, जब मैंने नाम दीक्षा ली थी मुझे हर चीज़ का ज्ञान था कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। उसके बावजूद मैंने नाम दीक्षा ली है क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, और उनकी जो भी उन्होंने है ना लोगों को ज्ञान दिया है उसमें कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगा है कि वो किसी मानव जाति के विरुद्ध बोल रहे हैं या किसी को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। उनके जो भी मतलब उन्होंने नॉलेज दी है वो मानव जीव के कल्याण के लिए है। यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे, और इसके पहले प्रॉब्लम में थे मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे, मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियाँ क्या थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियाँ हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, लाख सवा लाख डेढ़ लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटीरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास, और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं, और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे, तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उनको जुआ खेलने की आदत थी, ही वॉज अ गैम्बलर, प्लेइंग शेयर्स में इंट्राडे एंड देन प्लेइंग लॉटरी एंड ऑल दीज थिंग्स, तो दिस वॉज अ वेरी बैड हैबिट ऑफ हिम। तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पर सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फ़ायदा नहीं था। मगर जब से, जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नाम दान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहाँ पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, आज इसी चीज़ को 6 महीने हो गए, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज़ से। तो इतना बड़ा, हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ? पहली बात तो जहाँ जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह, कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है,
और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है, वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं, वो रुक भी रहे, उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, जो बुरी आदतें थी उनकी वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी, ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए मुझे तो मुझे लगता क्या, मुझे विश्वास है कि ही इज़ द ट्रू गॉड फॉर मी, क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे, जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े, तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी, तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है, टेंशन मुसीबतें आती है मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से हंसते खेलते, और टेंशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही है अभी हमें, अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने का। आपको तकरीबन 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, उसके बाद आपका संत रामपाल जी महाराज में इतना भाव है, और आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सही कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है, मगर जब हम जुड़े थे तब हमने ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि वो जेल में है, बस हमें नामदान लेना था क्योंकि हमें हमारी परेशानियों से दूर होना था। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको हम जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था, तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है, देर आर चेंजेस इन आर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ, एंड देन वी स्टार्टेड फीलिंग लाइक व्हाई दिस काइंड ऑफ संत इज़ put behind the bars. It's a biggest question mark for our Indian government who has come over here to give relief to all our citizens, to all our mankind. And it's really very pitiable thing, very bad, like very sorrowful thing that being behind the bars, he is doing so much of good for people. What if he will be out of the bars? What miracle he is going to do for all of us, and we have not even seen him. We are literally dying to meet and we are literally dying to touch his feet when he'll be out. देखिए आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं आप, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, कंठी माला ही नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं कि जो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है, माला वगैरह कर ले लेनी है, संत इंसान मन से होता है, विचारों से संत होता है, दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है। तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है। संत रामपाल जी महाराज ही एक में वो संत है, वही परमेश्वर है। मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं? मैं पहले से ही भगवान की राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है, इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी। काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी। तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पर विश्वास भी पहले से ही था, सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी जो मुझे अभी पता चली है। आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जो बॉम्बे शहर में अभिनेता रहते हैं उनको देखा जाए, यदि आपसे बात की जाए तो आपके रियल हीरो कौन है? रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है, और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, वो कमाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं,
और उनके घर तो भरे जा रहे हैं, बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है। मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए। वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं। ही इज़ डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो, एंड लाइक कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है, जो देखा गया है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं, उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं। और आप रिसर्च भी कर सकते हैं, जैसे तीन घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और 3 घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का, आप गारंटीड जिन्होंने सत्संग सुना है 3 घंटे का, उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी है। और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया, तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। देखिए, एक ऐसा संत जो जेल में है, कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा केवल इसलिए नहीं लेते हैं कि एक ऐसे संत से नाम दीक्षा क्यों लें जो जेल में है। आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि जो संत जेल में है वही पूर्ण संत है, जिनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे? पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है, इसका पता आप लोग डेफिनेटली लगाइए। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों है, ये तो मैं खुद भी सोच रही हूँ, जबकि वो मानव कल्याण के लिए आए हैं। मतलब ये क्वेश्चन तो हम सभी भगत लोगों में है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए क्यों कुछ नहीं कर रही है, जिन्होंने कभी कुछ हमें ख़राब सिखाया ही नहीं है। इनफैक्ट बोल रहे कि अगर तुम नशे में हो तो नशे को दूर करो, ये हमारी लाइक दिस इज़ नॉट आर कल्चर। हम डाउरी सिस्टम वगैरह जो फॉलो कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से दूर रहो। फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी अगर देखा जाए तो दिवाली है, होली है, गणपति है, अब जितने भी फेस्टिवल्स हैं उससे क्या लाभ मिल रहा है? एक पैसे का लाभ नहीं है, इनफैक्ट लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं और एनवायरनमेंट में जितनी पोल्यूशन हो रही है, जिससे फिर से मैनकाइंड के लिए ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ भी मुझे संत रामपाल जी महाराज की बहुत सही लगी। तो इनफैक्ट संत रामपाल जी महाराज हमें सही दिशा दिखाने आए हैं। एक अंतिम प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा केवल लाभ लेने के लिए ही लेते हैं और उनको बहुत सारे लाभ होते हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या लाभ मिले हैं? संत रामपाल जी महाराज से मिलने के बाद, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे हस्बैंड को जो बुरी आदत थी, उनको जुआ खेलने की आदत थी। ही वॉज़ अ गैम्बलर, प्लेइंग शेयर्स में इंट्राडे एंड देन प्लेइंग लॉटरी एंड ऑल दीज थिंग्स, तो दिस वॉज़ अ वेरी बैड हैबिट ऑफ हिम, which we got immediate treatment from our Sant Rampal Ji Maharaj. And besides that, अभी धीरे धीरे हमारी financial condition भी stagnant होते जा रही है, संभल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।